शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्योंकि तुम ही हो। मेरी विश है कि वैलेंटाइन्स डे पर तुम ये हीरे का हार पहनो। आपका और सिर्फ आपका प्यारा देवर रॉकी। इतना क्यों डर रहे हो भाभी? दादी लगता है आपको मुंह चाहिए। आइस लाओ। अम्मा जी आप ठीक है ना? हाँ हम ठीक है। हमें गुरुजी से बहुत जरूरी बात करने के लिए मंदिर भी जाना है और ये अब ये महादेव। दादी माँ आप परेशान क्यों हो रही हैं? जब आपका पैर ठीक हो जाएगा फिर चले जाना। नहीं गुरुजी एक दिन के लिए ही ग्वालियर आए हैं। तो अम्मा जी आप एक काम कीजिए ना, करण को अपने साथ ले जाइए। है ना करण? दादी माँ के साथ मैं चला जाऊंगा। और काव्या तुम तो अकेले जा सकती हो ना अपने घर पे? हाँ जा तो सकती हूँ पर दादी माँ को इतनी चोट लगी। अरे तुम अम्मा जी की चिंता मत करो, यहाँ पर हम सब लोग हैं ना, हम ध्यान रख लेंगे। तुम जाओ अपने माँ पापा जी का आशीर्वाद लेकर आओ। हाँ काव्या तुम्हारा जाना जरूरी है। हाँ हाँ चले जाओ, बस दान दक्षिणा के लिए समय पर मंदिर आ जाना। क्यों मैं जाऊँ करण से? हाँ काव्या क्योंकि तुम्हारा एग्जाम सबसे इम्पोर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा संभल के जाना। जिस मौके की मुझे तलाश थी लगता है वो मौका खुद मेरे पास चलकर आ गया है। अब मौके पे चौका मारना तो मेरे बचपन की आदत है। किताबों के अलावा ये कुछ और देखता ही नहीं है, इवन मुझे भी। काव्या तुम कॉलेज आई हो, एग्जाम देने आई हो क्या? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पिछली बार जो दादी ने फोन पे कहा, करण सर है ना, उन्होंने सब संभाल लिया। अच्छा अब करण सर आए नहीं? आने वाले थे पर। हाय काव्या। हाय सना। अच्छा तुमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है ना? हाँ हाँ करण सर ने पूरा रिवाइज करवा लिया। आप आई थिंक एग्जाम के लिए लेट हो जाएगा, अंदर चले। हाँ चलते हैं।
दीदी मैं महाकालेश्वर के महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए पूरी तरह रेडी हूँ, है ना जीजा? बस हो गया डॉक्टर, हमें कुछ नहीं हुआ है, मामूली सी मोच है, इसलिए सब कुछ प्लान के अनुसार होगा। हम गुरुजी के पास जाएंगे, फिर दान समय पर होगा और फिर शाम को हम महाकालेश्वर के लिए निकल पड़ेंगे। देखिए आपको तो आराम करने की सख्त जरूरत है, अगर आप चलेंगे फिरेंगे तो मसल्स टेयर होने का डर है। डॉक्टर डर आप अपने पास रखिए, महाकाल के दर्शन के लिए हम डर साथ लेके नहीं जाते। अगर दर्द बढ़ गया तो एक पेन किलर ले लीजिएगा। थैंक यू। ये डॉक्टर बस ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। लोटा जी जाओ हमारे कमरे से छड़ी लेकर आओ। जी अम्मा। दादी माँ ये दान धर्म बाद में भी कर सकते हैं ना, अब आराम कीजिए। हाँ माँ, करण ठीक ही तो कह रहा है। हाँ अम्मा जी, आपको तो अभी आराम की जरूरत है ना। अरे अरे काव्या, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, काव्या करण प्रताप सिंह। काव्या करण प्रताप सिंह। ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, और मैं ना तुम्हारे लिए वो पुरानी वाली काव्या ही रहूंगी, बदलूंगी नहीं। अच्छा काव्या, याद है जब हम करण सर को देख के आंखें भरते थे और सोचते थे कि किसके किस्मत में होंगे एक प्रिंस चार्मिंग? बताओ बताओ बताओ। हाँ याद है, तब भी मैं यही कहती थी और आज भी मैं यही कहूंगी कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है ना उसे वो हमेशा मिलकर रहता है। अच्छा चलो एक सेल्फी लेते हैं। सेल्फी तो बनती है। चलो चलो। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना कुलदेवी के मंदिर पहुंचने में देर हो जाएगी। अच्छा एक बात बता, करण सर ऐसा हस्बैंड कैसे है? कॉलेज में काम कंपोज, कम बात करते, घर पे भी वैसे ही है क्या? ठीक है, दान हम बाद में करेंगे, मगर हम महाकालेश्वर के दर्शन नहीं टाल सकते। और जब दान करना ही नहीं है तो काव्या को घर ही बुला लो करण। करण सर का कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा लिसन, कल मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊं पढ़ाई करने। इन किताबों के अलावा इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, काव्या के आते ही सब भूल गया। हेलो काव्या, एग्जाम कैसा रहा? पेपर टफ तो नहीं था? नहीं नहीं था। तुम एक काम करो, कॉलेज से डायरेक्टली घर पर आ जाओ। कुलदेवी के मंदिर अब नहीं जाना है, वो दान दक्षिणा वाला काम किसी और दिन करेंगे। जी ठीक है। मेनका ये दवाई हमें दे दो। मेनका ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये दवाई दे दो हमें। अरे अम्मा गरम दूध के साथ आप पियेंगे ना जल्दी फायदा होगा। मेनका अम्मा के लिए गरम दूध लेके आओ। जाओ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब मुझसे बचकर दिखाओ काव्या भाभी, क्योंकि अब मैं मौके पे चौका नहीं छक्का लगाने वाला हूँ। ये रुकी का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? हाँ रुकी बोलो, जल्दी बोलो कहाँ है काव्या? रिलैक्स माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? ओहो मेरे पास मजाक का टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। कूल
पर मेरा नाम तो नहीं आएगा ना बीच में। एंड आपको मेरी कार याद है ना? हाँ हाँ याद है, अभी कितनी बार बोलूं? अब बोलने की नहीं, देखने की बारी है। मतलब? इन्हें वीडियो सेंड कर दिया, जरा तसल्ली से देखिए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। काव्या, अब तो तुम्हारी शामत आने वाली है। लीजिए अम्मा जी। काव्या कब तक आएगी? बस वो आ रही है रास्ते में। हाँ अब तक तो उसका एग्जाम हो गया होगा। काव्या का एग्जाम? भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी बोलोगी? अम्मा जी कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना? एक मिनट रुकिए, ये देखिए, ये वीडियो देखिए। किसी ने कॉलेज से ये वीडियो मुझे भेजा है। चाची ये वीडियो किसने भेजा? अरे बेटा हमारे खानदान की बहू को तो सब पहचानते हैं, किसी ना किसी ने तो भेजा ही होगा। वीडियो से याद आया दीदी, एक वीडियो मेरे पास भी है। चुप रुको, चुप मुंह बंद। दादी ये वीडियो तो आ गई आपकी प्यारी बहू रानी। आखिर तुमने अपनी जिद पूरी कर ही ली ना? जो करना था वो कर ही लिया। परीक्षा देने के लिए गई थी और हमें कहा कि माता पिता को मिलने जा रही, झूठ कहा हमसे। दादी माँ मेरी बात सुनिए एक बार। बस अब और नहीं कर, इसने विश्वासघात किया है हमारे साथ। शायद भगवान भी नहीं चाहते कि इस झूठी के हाथ से दान दक्षिणा हो। इसीलिए हम आज यहां हैं, मंदिर में नहीं। दादी माँ इसमें काव्या की कोई गलती नहीं है। हाँ हमारी ही गलती है, इसलिए इसकी सजा किसको क्या मिलेगी इसका निर्णय हम महाकालेश्वर के दर्शन के बाद ही करेंगे। लोटा जी अम्मा, सूटकेस ले आओ। दीदी भानु जी अम्मा, गाड़ी तैयार करो। जी अम्मा अभी अभी ठीक कर रहा था। हम इसी समय उज्जैन जाएंगे।
गाड़ी माँ। मैं संभालता हूँ, आइए माँ। रहने दो। तुम हमारे आशीर्वाद के लायक हो ही नहीं। हमारे जाने के बाद घर की जिम्मेदारी आपकी होगी और आपकी पत्नी ने जो गलती की है उसकी सजा हम वापस आने के बाद तय करेंगे। चलिए अम्मा, मैं आपको गाड़ी तक ले जाता हूँ। नहीं, हमें अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। दीदी, मेरे पास एक वीडियो भेज दूंगा। चुप, मुंह बंद करो और चुपचाप अम्मा जी के साथ जाओ। चलो। अगर आपसे हो सके तो आप भी दादी के साथ उज्जैन चले जाइए। थैंक यू। चाय भी बड़ी कमाल की चीज है। एक घूंट पीते ही दुनिया की सारी टेंशन खत्म हो जाती है। आज ऑफिस में टेंडर को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो सोचा जाने से पहले तुम्हारे साथ एक कप चाय हो जाए। आप मुझसे कह देते, मैं आपके लिए चाय बना देती ना। मैं खराब बनाता हूँ? नहीं, मैं तो बस। वैसे आज मैंने चाय कमाल की बनाई है। अब ये बताओ कि आज का एग्जाम कैसा गया? पता नहीं दादी माँ की नाराजगी कब खत्म होगी। मैं पापा जी को खुशखबरी भी देने वाली थी कि मैं एग्जाम दे रही हूँ, पढ़ाई कर सकती हूँ, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। पर पता नहीं किसने वो वीडियो निकाल कर उनका चाचा को वो वीडियो कौन भेज सकता है? ये तो नहीं पता। आज कॉलेज में मुझे काव्य करण प्रताप सिंह के रूप में देखकर काफी स्टूडेंट्स ने सेल्फीज भी निकाली और कुछ ने वीडियोस भी निकाली, तो शायद उनमें से ही किसी ने। लेकिन इन लोगों में से मेनका चाचे को जानता कौन है और उनका नंबर कैसे है उनके पास? उनके पास ये वीडियो पहुंचाया किसने, ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो नेवर माइंड, तो फिलहाल तुम अपने अगले एग्जाम पे फोकस करो। आज इतना सब कुछ होने के बाद भी चाहते हैं कि मैं अगला एग्जाम दूं? काव्या, मैं कोई काम अधूरा नहीं करता, जो काम हाथ में लेता हूं पूरा करता हूं। तुम अपने सारे एग्जाम्स दोगे एंड दैट्स फाइनल। दादी माँ बोले या भोचाल आ जाए, तुम एग्जाम दोगी।
पर दादी मंगा क्या है, मेरी दादी है, मैं जानता हूँ उनको। पहले रूठ जाएंगी, फिर मैं मना लूंगा उनको, तो मान जाएंगी। भरोसा नहीं है क्या? अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है आप पर। चाय ठंडी हो गई, ठंडी चाय पियो और बताओ तुम्हारा आज का पेपर कैसा गया? क्योंकि तुम मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहो। मैं आपको पागल लग रही हूं जो बिना बात मुस्कुरा रहे हैं। अरे अम्मा ने कहा ना कि जब भी वो यात्रा से लौटेगी तो काव्य की खबर लेंगे पक्का। और आपको ऐसा लगता है हाँ? मैंने की जोड़ी भी ना, इन पे चाहे जितना भी पत्थर फेंक लो पर कोई असर नहीं है। अरे अम्मा जी जब तक तीर्थ यात्रा से वापस आएंगी ना उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। मेनका 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 माय ब्यूटीफुल मेनका माय प्रीटी मेनका, ऊपर वाला बुद्धि उसी को देता है जिसे वो अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता है। तुम जितना अच्छा सोचती हो ना उससे बेहतर तुम एक्सीक्यूट करती हो। बकरा कभी ना कभी तो कटेगा ही, आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आज वैलेंटाइन्स डे है, कहीं इसीलिए तो इतने रोमांटिक नहीं हो रहे हो? शायद। ओहो ये लोटा भी ना, पता नहीं सारा दिन क्या मैसेज भेजता रहता है। एक मिनट देखता हूँ। करण वाह, ऊपर वाला जब भी देता था छप्पर पहाड़ के। अभी तक तो बस काव्या फंस रही थी और अब तो करण भी फंस गया है। ये बिन पैंदे का लोटा कम लक्की नहीं है हमारी रानी के लिए। जब मम्मा को पता चलेगा कि काव्या की एग्जाम की तैयारी करने में केवल उसका ही फैसला नहीं था बल्कि करण और काव्या की मिली भगत, अम्मा का दिल और टूट जाएगा, अहंकार चकना चूर हो जाएगा, फिर मचेगा हवेली में तांडव। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तुम्हारी मुस्कुराहट पर मैं कभी आंच नहीं आने दूंगा। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।